नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एस में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के ज्योग्राफी क्वेश्चंस। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको फेमस प्लेसेस और उनसे गुजरने वाले रिवर्स जो है उसका करेक्ट पेयर आपको मैच करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा पंडरपुर और रिवर चंद्रभागा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पंडरपुर जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है वहां से चंद्रभागा रिवर गुजरती है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है तिरुचिरापल्ली और रिवर कावेरी। तो तिरुचिरापल्ली आता है तमिलनाडु के अंदर और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तिरुचिरापल्ली से कावेरी रिवर गुजरती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है हम्पी और मालाप्रभा रिवर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम्पी जो कि कर्नाटका के अंदर है यहां से तुंगभद्रा रिवर गुजरती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है तो देखो आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कट हो जाएंगे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। तो तुंगभद्रा रिवर जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है और कौन सा मेडिवल जो किंगडम है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे बसा था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व में इनमें से कौन से लोकेशन लाए होते हैं? तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को ठीक से देखें तो नैयर, पेपरा और सेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़ मुदुनतुराय टाइगर रिजर्व, ये सभी आपको मिलेंगे अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। आपको एटलस के अंदर आप इसको प्लॉट करना है। आप इस क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। तो जो मुदुमलाय, सत्यमंगलम और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको मिलेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कट हो जाएगा। फिर कौदिन्य और पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। फिर डी का जो भी श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये भी आपका ऑप्शन कट हो गया। तो आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा ए। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ है और यहाँ पे उनका नेचुरल लोकेशन है, तो आपको उसको करेक्टली मैच करना है। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट अगर आप ठीक से देखें, इरावडी डॉल्फिन और चंबल रिवर, तो ये मैच बिल्कुल गलत है क्योंकि इरावडी डॉल्फिन जो है आपको मोस्टली ईस्टर्न रिवर्स में मिलेंगे इंडिया के और जो बे ऑफ बंगाल के नजदीक है उन रिवर्स के अंदर आपको मिलेंगे। और चंबल रिवर जो है उसका ओरिजिन है एमपी से, एमपी के मऊ इलाके से ओरिजिन होती है, फिर ये फ्लो होती है राजस्थान के अंदर और वहां से फ्लो होती है यूपी के अंदर, इसलिए आपको इरावडी डॉल्फिन जो है चंबल रिवर के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 2 अगर गलत है तो आपका बी कट हो गया, ए कट हो गया और ऑप्शन नंबर डी कट हो गया। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 ओनली। तो आप एलिमिनेशन से भी इसको निकाल सकते हैं। तो आपके ए ब्लू फिंड महासीर आपको मिलेंगे कावेरी रिवर के अंदर और थर्ड जो है रस्टी स्पॉटेड कैट आपको मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स के अंदर। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि चंबल कौन से रिवर की ट्रिब्यूटर है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाए कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो टेम्परेट अल्पाइन जोन में इनमें से कौन से नेशनल पार्क लाए होते हैं? तो अगर आप ठीक से मैप को देखें, एटलस को अगर देखें, तो टेम्परेट अल्पाइन जोन में नामडाफा नेशनल पार्क आपको मिलेगा और नामडाफा जो नेशनल पार्क है आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे देख लेना, नामडाफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो आपका आंसर है बी, नामडाफा नेशनल पार्क। हम बाकी के नेशनल पार्क की लोकेशन देख लेते हैं। तो मानस नेशनल पार्क आपको मिलेगा आसाम के अंदर, यहाँ पे काजीरंगा और उसके आसपास ही आपको मिलेगा मानस नेशनल पार्क। देन न्यूरा वैली जो नेशनल पार्क है आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे इस रीजन में। देन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 21 जून
द सन, आपको सन का पोजिशन आपको यहाँ पे एंसर करना है। तो 21 जून ये इस दिन होता है समर सोल्स्टिस, और इस दिन हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। तो इस दिन सन का जो लोकेशन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, उसकी जो रेज है डायरेक्टली फॉल होती है, इसलिए आपका आंसर आएगा ए, द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्टिक सर्कल। तो आप इसको एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। अभी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो 21 जून के दिन सन की जो रेज की पोजिशन होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी, यहाँ पे 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। तो यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्रीज पे, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड उसके ऊपर आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलेगा आर्टिक सर्कल। देन 23.5 डिग्री साउथ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इक्वेटर के नीचे, और उसके नीचे आपको 66.5 डिग्री साउथ में आपको मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। तो आपका जो बी है वो कट हो जाएगा, क्योंकि सन डज नॉट सेट बिलो होराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल। तो एंटार्क्टिक सर्कल तो नीचे है, सन का अभी फिलहाल 21 जून का पोजीशन ऊपर है, तो बी आपका जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फिर सी जो है, सन शाइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर, तो ये भी गलत है। सन कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को। और डी जो है, सन शाइंस वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी गलत है। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स कौन से महीने में आते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट। तो क्लाउडी नाइट के दिन ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होते? तो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्मेशन का आपको पहले एक साइंस समझना पड़ेगा कि ड्यू ड्रॉप्स ऐसे एटमोसफेयर में फॉर्म होते हैं जब टेम्परेचर गिर जाता है, और टेम्परेचर गिरने के कारण जो वाटर वेपर्स है वो पानी में, वो लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लाउडी नाइट के दिन क्या होता है? अर्थ से जो रेडिएशन रिटर्न जाती है एटमोसफेयर में, तो क्लाउड से टकरा के वापस अर्थ की तरफ आती है, और अर्थ का जो टेम्परेचर एटमोसफेयर का वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसलिए ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होते। तो इसलिए आपका आंसर आएगा बी, द क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैट द अर्थ रेडिएशन। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम के सहारे, तो क्लाउडी नाइट के दिन जो क्लाउड्स है वो अर्थ के हीट को ट्रैप करते हैं और वापस भेजते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है और ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको करेक्ट पेयर को मैच करना है। यहाँ पे सी है और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। तो फर्स्ट है एड्रियाटिक सी, अल्बेनिया, तो ये करेक्ट है, अल्बेनिया एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है क्रोएशिया और ब्लैक सी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्रोएशिया ये भी एड्रियाटिक सी को ही बॉर्डर करता है, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए कट हुआ, ऑप्शन नंबर सी कट हुआ, ऑप्शन नंबर डी कट हुआ। तो आपका आंसर आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 ओनली। तो कैस्पियन सी या कजाकिस्तान उसको बॉर्डर करते है, करेक्ट है। फिर मेडिटेरेनियन सी उसको मोरक्को बॉर्डर करते है, भी करेक्ट है। फिर रेड सी को सीरिया, यह गलत पेयर है, सीरिया बॉर्डर करता है मेडिटेरेनियन सी को ही। तो आपके यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप एलिमिनेशन से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखने, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे क्रोएशिया है, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा एलिमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया में जो पिछले 5 सालों में जो खरीफ क्रॉप की जो कल्टीवेशन हुई उसे, उसके रेफरेंस से कुछ डेटा है, हमें देखना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, तो राइस के कल्टीवेशन का जो एरिया सबसे ज्यादा है इंडिया में, तो ये करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे बी और सी ऑप्शन कट हो गया, आपका बच गया ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए, तो इन दोनों में से आपका आंसर आएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं, एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। तो जवार का कल्टीवेशन ज्यादा है क्या ऑयल सीड से? तो ये गलत है, ऑयल सीड का जो कल्टीवेशन का एरिया है जवार से ज्यादा है। तो अगर आपका स्टेटमेंट नंबर बी अगर गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ओनली। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन, तो ये करेक्ट है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट, एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड, ये गलत है, एरिया अंडर जो शुगर कैन है वो पिछले 5 सालों में बड़ा है, उसलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ओनली। जो आपको जो डेटा मिलता है वो मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर से, या तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे ग्लेशियर है और उनके रिवर्स है ओरिजिन के, तो आपको इसको करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे बंदरपूछ ग्लेशियर और यमुना रिवर,
तो ये करेक्ट है, यमुना रिवर जो है बंदरपुच ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी आपके कट हो गए, आपके बच गए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, तो इन दोनों में से आपके आंसर आएंगे। फिर सेकेंड है बाराशिंगरी ग्लेशियर और चिनाब रिवर, तो ये भी करेक्ट है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हम बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं, मिलम ग्लेशियर और मंदाकिनी, तो ये इनकरेक्ट है। मंदाकिनी जो रिवर है वो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, और मिलम ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है उसका नाम है रिवर गोरी गंगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन सियाचिन ग्लेशियर से निकलती रिवर नुब्रा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर जेमू ग्लेशियर और मानस, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मानस रिवर है ये आसाम के अंदर और जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम के ऊपर, और इससे निकलते रिवर तिस्ता। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा विथ रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल एरिया ऑफ द स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको स्टेट इन स्टेट्स के बीच में जो परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर है टोटल एरिया वाइज आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपको बढ़ते क्रम में उसको अरेंज करना है। तो अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया देखें एरिया वाइज तो एमपी का सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज है आपका मिजोरम स्टेट का, बट आपको इन चारों में से निकलना है। तो चारों में से छत्तीसगढ़ स्टेट का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है परसेंटेज वाइज, और सबसे कम है महाराष्ट्र का इन चारों में से। ओके तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आपको छत्तीसगढ़ कहाँ पे मिलेगा 1, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ और सबसे कम है महाराष्ट्र, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे कम है इन चारों में महाराष्ट्र, फिर उससे थोड़ा ज्यादा एमपी, उससे थोड़ा ज्यादा ओडिशा, और सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ का परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे देख लेना, अगर आपको पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, तो सबसे टॉप नंबर पे आता है एमपी, फिर उसके नीचे अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 है। और अगर परसेंटेज अगर आपको पूछे फॉरेस्ट एरिया के, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये है टॉप 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोंग द एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी क्या, इंडिया ने पिछले 5 सालों में वैल्यू के टर्म में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन से कॉमोडिटी का किया है। तो लॉजिक से यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स और पल्सेस तो हो नहीं सकता, जो वेजिटेबल ऑयल्स है उनका इंपोर्ट ज्यादा है, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स है आपका डी आंसर आएगा। तो ये हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर। यानी कि आप पिछले 5 सालों में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस की एक्सपोर्ट कौन सा कंट्री करता है। यहाँ पे हम फैक्ट देख लेते हैं, तो चाइना जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, बट सबसे लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया है, यानी इंडिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड में राइस को एक्सपोर्ट करता है, उसकी निर्यात करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इंडिया। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन से रीजन को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। तो पीवीटीजी ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन है और इनके आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करने हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स का, आपको एक ट्रिक लगानी है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको फैक्चुअली इनकरेक्ट आपको डेटा यहाँ पे पहले ढूंढना है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 अगर आप देखें ठीक से, तो इसमें लिखा है कि देर आर 95 पीवीटीजेस ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार, तो ये डेटा इनकरेक्ट है। इंडिया में अभी तक 75 पीवीटीजी को नोटिफाई किया है, ना कि 95। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है। तो ये अगर इनकरेक्ट है तो आपका स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए कट हुआ, बी कट हुआ और डी कट हुआ। आपका आंसर यहाँ पे बच जाता है सी 1, 2 एंड 4। तो 3 के अलावा बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि पीवीटीजी रेसाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो 1 यूटी जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस, तो ये करेक्ट क्राइटेरिया है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो है इरुलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ द पीवीटीजी, तो ये भी करेक्ट है।
जो इरोला ट्राइब जो है आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, और कोंडा रेड्डी जो ट्राइब है आपको मिलेगा आंध्र तेलंगाना रीजन के अंदर। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है कि पीबीटी जी की स्थापना को रिकमेंड किया था देवर कमीशन ने 1973 में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉमन टू प्लेसेस नोन एज अलियापुर, अलियार, ईसापुर एंड कंसाबाती। तो इन तीन तीन प्लेसेस में कॉमन क्या है? ओके, तो आपका इसका आंसर है डी, वाटर रिजर्वर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।